सर थोड़ी एक सेकंड पूछ रहा है क्या कुछ मामला थोड़ा सा जांच के विषय में। सर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही सपा सेंटरों पर छापेमारी की गई और SHO साहब ने बाइट दी है, अभी उनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। तीन लड़कियां दो लड़के जो बरामद किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं सपा सेंटरों से, तस्वीर में दिखाऊंगा अंदर जाकर। जैसे SHO धर्मवीर जी है वो साथ में खड़े हैं और जो पुलिस प्रशासन है, कितने लड़के लड़कियां हैं अंदर जाकर हम देखेंगे जो सपा सेंटरों से पकड़े गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ऑडियो वायरल हुई थी कि मंथली लेते हैं, उसको देखते हुए सख्ती दिखाई प्रशासन ने और सपा सेंटरों पर रेड मारनी शुरू की, और जहां से एक सपा सेंटर से तीन लड़कियां और दो लड़के बरामद किए गए हैं। अभी अंदर चलेंगे और अंदर की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। धन्यवाद भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें। सर ये बोर्ड तो आना जी, फिर बोर्ड तो 10 सेकंड लेना जी, 15 सेकंड आ जाओ। सर आज की सपा सेंटर पर रेड मारी, उसके बारे में जानकारी देनी। हाँ, उसमें सुबह हमारे महिला सब इंस्पेक्टर ने किसी सूचना के आधार पर रेड की थी अपने नरवाना पटियाला रोड पर स्टेडियम के सामने, तो वहाँ दो तीन लड़के और तीन लड़कियाँ मिले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो कुछ पता लगा सर ये कहाँ के रहने वाले थे और कितने समय से चल रहा था? नहीं, अभी तो ये पूरी बातें हम पूछताछ कर रहे हैं, और ये लड़कियाँ हैं बाहर की हैं और लड़का है एक यहाँ उजाणा का है और एक कोतकला का। कितने लड़के लड़कियाँ बरामद की गई? दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं। अच्छा, इनके खिलाफ सर क्या कार्रवाई की गई? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो सर ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसके बाद एक्शन लेना पड़ा आपको? नहीं, हमारे पास तो कोई ऑडियो क्लिप नहीं, हम तो सामान्य रूटीन में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर एक पुलिस पर भी सवाल निशान खड़ा होता है इसमें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस चीज़ का? लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से इस प्रकार। देखिए, वो स्वाभाविक बात है, कोई भी सामाजिक गलत काम होता है या किसी भी, तो पुलिस पर आरोप लगना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई छूट किसी को नहीं है। तो सर जो इस प्रकार की रेड आपने मारी है लगातार चलती रहेगी और होटलों में भी जांच की? हाँ, जब जब भी हमें विश्वसनीय सूचना मिलेगी तब तब हम कार्रवाई। तो ये एड्रेस कहाँ है जी, क्या नाम था जी इसका? ये पटियाला रोड के ऊपर बता दिया सारी बात। बोर्ड तो 10 सेकंड लेना जी, 15 सेकंड आ बैठ
बोर्ड तो 10 सेकंड लेना जी, 15 सेकंड आ जाओ। सर ये बोर्ड तो आना जी, फिर बोर्ड तो 10 सेकंड लेना जी, 15 सेकंड आ जाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही सपा सेंटरों पर छापेमारी की गई और SHO साहब ने बाइट दी है, अभी उनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। 3 लड़कियां 2 लड़के जो बरामद किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं सपा सेंटरों से, तो वो सपा सेंटरों की तस्वीर मैं दिखाऊंगा अंदर जाकर। जैसे SHO धर्मवीर जी है वो साथ में खड़े हैं और जो पुलिस प्रशासन है, कितने लड़के लड़कियां हैं अंदर जाकर हम देखेंगे जो सपा सेंटरों से पकड़े गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिस प्रशासन की एक के खिलाफ ऑडियो वायरल हुई थी कि मंथली लेते हैं, उसको देखते हुए सख्ती दिखाई प्रशासन ने और सपा सेंटरों पर रेड मारनी शुरू की, और जहां से एक सपा सेंटर से 3 लड़कियां और 2 लड़के बरामद किए गए हैं। अभी अंदर चलेंगे और अंदर की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। धन्यवाद भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें।